laughing. Bless you. Thanks, Archana. That was amazing. मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा. आप आए हैं ट्रेलर देखने के लिए. उसके बाद बहुत कुछ आपको बताना है, दिखाना है. आप एक बार देख लीजिए. एंड वंस आप देखने के बाद फिर आई थिंक जो कुछ भी हम कहेंगे उस ज़्यादा एक मीनिंग रखेगा आप लोगों के लिए. सो लेट्स जस्ट वॉच द ट्रेलर एंड देन वील चैट आफ्टर. Absolutely. This beautiful girl who's played Purna, and of course to ask you, there must have been quite a task to get somebody to do this for you. मतलब कास्टिंग में आजकल इतनी सारी चर्चा होती है, तो पूर्णा मिलने के लिए कितना समय लग गया? पहले तो हम 500 के ऊपर लड़कियां को हमने देखा, और फिर उनके ट्राइबल सोशल वेलफेयर स्कूल से 109 लड़कियां को, और फिर भी नहीं मिली. तो माय कास्टिंग डायरेक्टर हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, और फिर 110वीं लड़की थी जिसका मैंने ऑडिशन लिया, और सभी ने कहा कि हाँ ठीक है. लेकिन व्हेन आई वाज ऑडिशनिंग हर, आई वाज वेरी क्लोज अप एंड आई वाज लुकिंग इनटू हर आईज एंड आई न्यू दैट शी इज एन एक्सेप्शनल एक्ट्रेस. शी वुड बी एक्सेप्शनल. एनीवे, बिफोर दैट आई वांट
बावजूद भी जहां पे पैसा खर्च करना था, जैसे जो VFX है, कसम से मैं कहता हूँ इंग्लिश इंडियन फिल्म में कभी मैंने हिंदी फिल्म में इतने अच्छे VFX मैंने बहुत कम देखे। 170 शॉट्स है फ्रॉम द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। Those summit shots are unreleased footage. That's fine. Those summit shots are unreleased footage in the history of the Everest. 2014 की एक एक्सपीडिशन से एक अमेरिकन, एक ऑस्ट्रेलियन, एक न्यूजीलैंडर और एक इंडियन थे। हेमंत सचदेव ने, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत से प्रोड्यूसर्स से को कहा कि हमें फुटेज रिलीज नहीं करना है। फिर जब हम गए वहां पे, उसने रिलीज नहीं किया। स्क्रिप्ट उन्होंने सुना, फिर मेरे साथ दिल्ली के उसके घर में मैं 3-4 घंटों से समझा रहा था कि किस तरीके से हम बनाएंगे, किस इज्जत से फॉर क्लाइंबिंग, फॉर माउंटेनियरिंग हम बनाएंगे। फिर उन्होंने शूटिंग के बाद रशेस देखे, ओनली देन 4 माउंटेनियर्स पूरे उन्होंने साइन ऑफ किए, देन दे गिव अस द फुटेज। इसके लिए और इसके साथ जो VFX हमने किया टाटा लेक्सी के साथ, जो बिल था वो एक छोटा सा घर कहीं पर मिल सकता है, शायद बम्बई के बाहर, लेकिन घर तो मिल सकता है। So we've not stopped spending money. It's not a small budget film. And if schools, this is a film for you, for adults. I love this film. But ऐसा हो रहा है कि adults देख रहे हैं क्या कि हमारे बच्चे क्यों नहीं देखे, कि वो इतना complain क्यों कर रहे हैं जब ये कर सकते हैं। So that's the way it's catching fire. The president of India is seeing the film because what it means to be a tribal, to be a girl, to be uneducated and to be poor, and yet do something like this. Is a massive inspiration. तो जैसे मैं कहता था कि अगर आप बनाते, it would still be a hit. Because our story is unbelievable. You just have to tell the story. It's an unbelievably thrilling story. Thrills भी है, पूरा escape है, उसके हट जहाँ पे पूर्णा रहती थी अब नहीं रहती है, क्योंकि 25 लाख के साथ उसने एक पक्का घर बनाया। उनके पिताजी है यहाँ पे देवीदास, प्लीज देवीदास जी, हम बता रहा आप आपके देवीदास जी, आप स्टेज पे मत आइएगा, आप बैठे, लेकिन मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा था। अगर रियल लाइफ की बात करें, न्यूज़पेपर्स में आते हैं, टेलीविजन पे आते हैं, उनके बारे में बताया जाता है, लेकिन कई सालों के बाद वो चेहरा, वो नामचीन चेहरा कहीं ना कहीं लिप्त हो जाता है, खो जाता है। तो कहीं ऐसा भी होगा कि फिल्म को दिखाने के बाद लोग थोड़े दिन याद करेंगे पूर्णा को, फिर कहानी खत्म हो जाएगी। मकसद ये होता है फिल्म बनाने का कि हम विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लड़कियों कहीं ना कहीं जागरूक करने की बात कर रहे हैं। आज भी कई ऐसी जगह रूरल्स एरिया में होता है जहाँ पे लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, तो उनके लिए क्या मैसेज है जो लोग अपनी बच्चियों को, लड़कियों को, औरतों को इनकरेज करें ऐसे इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म पे आने के लिए? देखिए, ऐसा है, बदलाव जब होता है वो पूरी तरह से 100% बदलाव नहीं होता है। आप इतिहास को देखिए तो बदलाव बहुत धीमे धीमे होता है, और जो अंग्रेजी में कहते टिपिंग पॉइंट, एक मुकाम पे वो पूरा टिप हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल USSR, द बर्लिन वॉल, और वो पूरा कोल्ड वॉर यूरोप, कभी हमें उस दिन से 6 महीने पहले हमें बिल्कुल यकीन नहीं होता कि ऐसा होगा, बट चेंज कम्स वेरी स्लोली। सो जस्ट टू से दैट, अगर एक निर्जा बनती है फिल्म, उसके बाद पूर्णा या जो भी हो, ग्रेजुअली एवरीबॉडी विल स्टार्ट टू से कि दीज आर स्टोरीज दैट आर नॉट अनकॉमन, दे आर हैपनिंग एवरीवेयर, लेट्स फाइंड देम। दंगल, राइट? एग्जैक्टली। तो मेरा ये कहना है कि अगर पहले दंगल, निर्जा और पूर्णा एक साल में कभी रिलीज नहीं होते, अगर ये हुआ है अब, तो जाहिर है कल को फिल्म्स हैव टू बी गुड, आई एक्सेप्ट दैट, कल को There'll be 20 more. लेकिन इसके साथ सोसाइटी में, समाज में ये देखना है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। मैंने गौर किया है निर्भया के बाद कि ये थर्ड वेव ऑफ जेंडर जस्टिस मूवमेंट हो रहा है। इस थर्ड वेव में बहुत चीजें हो रही हैं। द फाइट अमंगस्ट पैट्रियार्की, मिसोजिनी एंड रूलिंग पावर बाय मेन वर्सेस वुमेन हैज बिकम ब्रूटल नाउ। इट्स नॉट जस्ट मोलेस्टेशन, ये it's become violent and cruel and they are brutalizing women. Ye ek aur step hai ultimately it will result in the victory for gender justice, but it's moving and the fight is getting worse. Abhi aur bhi fight hoga and I think it will get worse. It will get worse and then it will get better, maybe not in my lifetime, but main ek
बात कहना चाहता हूं कि जरूर ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है लड़की के बारे में, जेंडर जस्टिस के बारे में, लेकिन पहले मैंने रिस्पॉन्ड किया जैसे आप लोग शायद ट्रेलर के लिए रिस्पॉन्ड करते हो कि इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, शुड आई वॉच इट एज अ फिल्म, भाड़ में जाए सही है गलत है रियल है फॉल्स है, इज इट इंटरेस्टिंग, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई रिएक्टेड टू. सच में करीबन 400-500 लोग ने अभी देखा है अभी तक, नॉट वन. मेरा पहला प्रश्न है डिड एनीबडी नॉट क्राई, एंड द आंसर इज सबके हाथ नीचे. मैंने इंडियन टीम से भी पूछा डिड एनीबडी नॉट क्राई, एवरी सिंगल पर्सन हैज क्राइड. दिस देयर इज अ हार्ट टू द स्टोरी, फॉरगेट द फिल्म, आप भी बना सकते हैं रियली, बट द स्टोरी इज इररेसिस्टिबल, दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट इट. उसके बाद जरूर मैं मानता हूं ये सारे जो सबक है बहुत नेक है बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो विटामिन पिल डालने के लिए मैंने ये फिल्म नहीं बनाई. मैंने बनाया क्योंकि आई जस्ट थिंक इट्स एन अमेजिंग अनबिलीव और हम वी नोबडी इज हर्ड ऑफ इट, आई लाइक इट, नोबडी इज हर्ड ऑफ इट. नाउ व्हेन दे सी दे विल से बाय गॉड व्हाट द हेल, यू नो व्हाट एन अमेजिंग अचीवमेंट, एंड इट्स ऑल ट्रू 2 years अगो. तो राहुल क्या इस फिल्म को यहाँ रिलीज करने के बाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी प्रेजेंट करेंगे आप? कभी मैंने सोचा नहीं ओवरसीज के बारे में, पता नहीं क्यों. बहुत से फेस्टिवल्स, आज भी एक इनविटेशन आया है, लेकिन ये मे बी मैं क्योंकि ऐसे फिल्मों के लिए वहां पे प्लेटफॉर्म अच्छा होता है, माइलेज पता नहीं मुझे, सच में मुझे पता नहीं. मैं शायद पहला एक्टर हूं जो 25 साल से फेस्टिवल से जा रहा हूं. जिन दिनों में टोरंटो एक छोटा फेस्टिवल हुआ करता था, बर्लिन वॉज, यू नो इट्स रियली गुड टू गेट इंटरनेशनल रिकग्निशन, बट आई दिस फिल्म इज हियर, इट्स इन इंडिया, इट्स about an Indian girl and it's for Indians. Uske baad dekha jayega. This is first is here. Wish you all the best. Thank you. Rahul, it feels fantastic. To Virat ne ye kaha. It just feels fantastic. Uske baare mein 10 minute baad baat karenge. Ye vaada hai. Isliye kyunki main ye nahi, main sawal ko taal nahi raha hu. Kuch hai. Main Just give me 10 minutes, I promise you. राहुल आपसे एक सवाल और है. कोई और है सवाल पूछता है? हमें जरूर आपको आपके जवाब. अच्छा ठीक है, पूछ. दो चीजों में आपने पूर्णा की लड़ाई दिखाई है. एक तो कि उसकी सराउंडिंग में, पूर्णा की ये जो फिल्म है इसमें आपने दो किस्म की लड़ाई दिखाई है, संघर्ष दिखाया, स्ट्रगल दिखाया है कि उसके आसपास का सराउंडिंग एंड प्लस कि उसने किस तरह से माउंटेन में जो विजय प्राप्त की. तो इसमें ज्यादा फोकस आपने किस में किया है, इसके फर्स्ट पार्ट पे या सेकंड पार्ट पे? क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं मिला जो फिल्म देखकर रोया नहीं. ये जो कठिनाइयां हैं जी, इसको मैं मानता हूं अगर फिल्म में अंडरलाइन करें ना तो आप उस फिल्म को मार डालते हो. I don't like to underline anything. अगर शादी के लिए कोई आता है उस तरफ से मर्द, तो इस तरफ से भी मर्द निकलते हैं शादी की बात करने के लिए और औरत पीछे खड़े रहते हैं, तो इसका अंडरलाइन करने की क्या जरूरत है? क्लोज अप औरत की, लुकिंग डाउन, फीलिंग बैड, नो, इट्स दैट्स इट. एंड हम इतने वाकिफ है मिसोजिनी पैट्रियार्की जो होता है के साथ, In the cities and in the, it's not a poor rich thing or rural urban thing, that it, I make a movie just like breathing. Kabhi climbing mein bhi aisa nahi hai ki dekho kya kar rahi hai, none of that. She just climbs. Lekin dekhne mein aapko pata chalta hai ki matlab breathing took 5 hours to dub. Just breathing, 5 hours humne dub kiya. कि क्लाइंबिंग में ब्रीदिंग कैसा होता है, व्हेन ऑक्सीजन इज रनिंग आउट, व्हाट इज द साउंड ऑफ द ब्रेथ, इट, आई एम टेलिंग यू, 5 hours ऑफ ब्रीदिंग, इट इज दैट काइंड ऑफ स्टफ, दैट्स व्हाट यू स्पेंड टाइम ऑन. स्टोरी शुड जस्ट फ्लाई. आपको लगना चाहिए कि डायरेक्शन था ही नहीं इसमें, देखा मैंने एक कहानी, दैट्स इट, इट शुड जस्ट बी लाइक वाटर. राहुल ओवेयर, यू आर डायरेक्टिंग द फिल्म, यू आर प्रोड्यूसिंग द फिल्म, आपने स्क्रिप्ट का जिक्र किया बेशक, लेकिन जब हमने ट्रेलर देखा तो एक अलग
तरीके का, एक लोकेशन एंड एवरीथिंग वॉज सो ग्रिपिंग एंड एवरीथिंग. हाउ डिफिकल्ट और इजी वॉज इट टू गेट इन द शूज ऑफ द डायरेक्टिंग पार्ट व्हेन इट कम्स टू. 16 साल पहले मैंने डायरेक्ट किया था, शायद आप स्कूल में थे. अंग्रेजी फिल्म है एवरीबडी सेज आई एम फाइन. तो ऐसा नहीं था कि डायरेक्शन नया है मेरे लिए, लेकिन डिजिटल की जो का जो दुनिया है इज टोटली न्यू फॉर मी. तो बहुत अच्छा लगा, बहुत भय भी था क्योंकि इसमें इतना VFX है, इसमें टेक्निकली विपुल शाह ने कहा, बहुत जिगरी दोस्त हैं हम, तो विपुल ने कहा मैं जानता था कि जब मैंने फिल्म मैं जब तुम्हारा फिल्म देख रहा हूँ कि एक इट विल बी अ वेल एक्टेड पैशनेट इमोशनल फिल्म, ये तो मैं जानता था, एक्सपेक्ट कर रहा था. लेकिन मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इट विल बी टेक्निकली सो ब्यूटिफुली मेड. इट्स अ ये जो फिल्म है, मैं कहता हूँ कि ये मालगुडी डेज, याद है वो एक प्रोग्राम हुआ करता था, मालगुडी डेज से शुरू होता है और एंड होता है हॉलीवुड के जो फिल्म है एवरेस्ट, इट एंड्स लाइक दैट. सो दिस ज़ुप फीलिंग, इवन इन द म्यूजिक यू विल सी दिस फीलिंग, ये करना, ये जो सेकंड हाफ का था भय था डेफिनेटली, कैन आई पुल इट ऑफ, डू आई नो इनफ, डू आई अंडरस्टैंड इनफ. फिर परिश्रम से और अच्छे लोग तुम्हारे अगर इर्द गिर्द हो, जिंदगी जो वो एक रास्ता बन जाता है. पूर्णा, हाय सर. पूर्णा, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज इतना बड़ा दिन. एक्चुअली मैं पूर्णा से एक सवाल पूछना चाहता हूँ. जब आप, हाँ, बट ही सेड ही जस्ट आस्क्ड दैट आप क्या कहना चाहोगे, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, तो ये आप कह सकती हो इनसे और हम सबसे, कि जब आप समिट कर रही थी और आपके पास तिरंगा था, अपना फ्लैग, इंडियन फ्लैग था, और जब आप सबमिट करने वाली थी, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? व्हाट वर यू फीलिंग? आपको आपके थॉट्स क्या थे? आप क्या सोच रही थी? आपकी फीलिंग क्या थी जब आपने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया उस वक्त? आई एम नॉट कंफर्टेबल. डोंट स्टार्ट क्लाइंबिंग नाउ. लास्ट डे इट वॉज अ 52 डेज एक्सपीडिशन, एवरेस्ट एक्सपीडिशन. इट्स लास्ट नाइट, लास्ट क्लाइंबिंग. वी आर क्लाइंबिंग अप, वी आर क्लाइंबिंग 15 मिनट्स टू रीच. आई विल बी रीच ऑन टॉप ऑफ द एवरेस्ट. दैट टाइम आई सॉ वन डेड बॉडी. नाइट पे कुछ नहीं दिखा था. सुबह इट्स कमिंग लाइट, जब मैंने एक डेड बॉडी देखा था. जब बोनेगिरी चढ़ने के लिए डर लगा था, बट माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए डर नहीं लगा था, बट डेड बॉडी देख के डर लगा मुझे, क्योंकि उसको देख के मुझे लग रहा मैं भी ऐसे रह जाऊंगी क्या, मैं भी ऐसे मर जाऊंगी क्या, वो मेरे माइंड में आया था. तो मैंने सोचा, इतना ट्रेनिंग लिया मैंने, 8 महीना ट्रेनिंग लेके, इतना गवर्नमेंट इतना सपोर्ट किया मुझे फाइनेंशियली, एंड प्रवीण सर ही सेंड मी हैज ए ही इज वेरी ईगरली वेटिंग फॉर माई सक्सेस, एंड ही इट इज ड्रीम ऑफ माई सेक्रेटरी प्रवीण कुमार सर. ही इज द सेक्रेटरी ऑफ सोशल वेलफेयर स्कूल्स. आई एम ऑल्सो स्टडिंग इन सोशल वेलफेयर स्कूल फ्रॉम 6th क्लास टू टिल नाउ 12th. आई एम स्टडिंग. दैट्स वो मेरा रोल था जो आपने देखा था. या सो मैं उसको देख के बहुत डर लगा था. माय लेग्स वाज शिवरिंग. सो जब मैंने 10 कमांडमेंट्स है, हमारे जो स्कूल्स है वो स्कूल्स को 10 कमांडमेंट्स है, प्रवीण कुमार सर ने दिया था. तो वो 10 कमांडमेंट्स इज वेरी पावरफुल. सो आई इंस्पायर ए लॉट बाय द 10 कमांडमेंट्स. देन इमीडिएटली आई रिमेम्बर द 10 कमांडमेंट्स. आई वॉन्ट टू टेल नाउ ऑल्सो. So first one is, I am not inferior to anyone. I shall be the leader wherever I am. I shall do what I love and be different. I shall always think big and aim high. I shall be honest, hardworking and punctual. I shall never blame others for my failures. I shall never beg and cheat. I shall repay what I borrow. I shall never fear the unknown. I shall never give up. ये जो 10 कमांडमेंट्स है, आई इंस्पायर्ड अ लॉट
So I remember these commandments when I saw dead body. Then I continued my trekking. After 15 minutes, I reached it on Mount Everest, exactly 6 o'clock in the morning, May 25th, 2014. So I was very excited, and our national flag also I hoisted on Mount Everest. So I was very excited, and I was very, very happy because मैंने गया था कि प्रूव करने के लिए गर्ल्स कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग मतलब थोड़ी लोग बोलते गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स कुछ नहीं करेगा उसको कुछ नहीं आएगा इंग्लिश नहीं आएगा कुछ नहीं आएगा बोलते थे बट गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल स्टूडेंट्स ऑल्सो एवरीथिंग एनीथिंग दे विल डू एनीथिंग सो आई वॉन्ट टू प्रूव दैट दिस इज द कॉन्सेप्ट वाई we climb Mount Everest and may somebody ask Aditi a question or should you have a question for Aditi I have a question for Saleem Suleiman of course so have you given the background score for this film as well sadly no but the person who's done the background score he's a very very talented musician and composer उसका नाम है तनुज तिकू तनुज हमारी हमने बहुत सारी फिल्में की है एंड ही इज बीन पार्ट ऑफ दैट हाल ही में हमने काबिल की थी उसका भी उसमें भी वो बहुत एक बड़े पार्ट थे तो वो बहुत काबिल है खुद और बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन है बहुत ही इनक्रेडिबल उनको कॉम्पोजिशन सेंस है बैकग्राउंड स्कोर में एक चीज सबको पता होता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ करना चाहिए बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो लोग ये जानते कि बैकग्राउंड म्यूजिक कहां नहीं करना चाहिए वो ही सही परख होती है बैकग्राउंड स्कोर की और तनुज टिकू डेफिनेटली इज वन ऑफ देम और मैं बहुत ही बहुत खुश हूँ फिल्म के बैकग्राउंड से और आई एम श्योर राहुल इज आल्सो वेरी हैप्पी सुलेमान और मैंने जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कुछ कुछ इमोशनल मोमेंट्स इतने पावरफुल है कि बैकग्राउंड एक्चुअली एक फिल्म में किरदार निभा रहा है एक कैरेक्टर है इस फिल्म का तो जब आप देखेंगे फिल्म तो आपको पता लगेगा कि कितनी गहराई से इसको म्यूजिक इसका किया गया है बैकग्राउंड टॉक अबाउट द सॉन्ग्स ना सलीम कोई सवाल पूछे तो ना अपने खुद अच्छा नहीं मैं उसका सेकंड हाफ बोलिए ना और गाने हमने डेफिनेटली सुलेमान और मैंने गाने इसमें चार गाने हैं एल्बम में फिल्म में तीन गाने हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस पे वो गाने आते हैं और ऐसा नहीं है कि आपने फिल्म तो ट्रेलर तो देखा है तो आपको पता लगता होगा कि किस तरीके की फिल्म है बहुत ही इंस्पिरेशनल एस्पिरेशनल और बहुत सारे लेयर्स है इसमें यू नो वेमेन एम्पावरमेंट लड़कियां कुछ भी कर सकती है और जो गाने हैं वो बहुत रिफ्लेक्टिव है सिचुएशंस के इसमें ट्रेनिंग का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है फिल्म तो ट्रेनिंग का एक गाना है एक अपने अंदर की एक एक फिल्म में गाना है पूरी कायनात जिसका थॉट बहुत कमाल का है और वो कहते कि जो पूरी दुनिया की जो भी चीजें हैं वो एक्चुअली आप खुद में है और सब सवालों का जवाब आप खुद ही हो तो ये एक बहुत बड़ा एक थॉट है जो एक कलाम है सूफी कलाम है और उस थॉट से ये गाना बनाया गया है कि हम बहुत कई बार कितनी बीमारियों की जो रेमेडीज है हम बाहर देखते हैं बट एक्चुअली उसकी सब रेमेडीज अपने खुद में ही है और ये ऐसे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं तो वो गाने ये जो गाना है पूरी कायनात बहुत ही कमाल का लिखा हुआ है अमिताभ भट्टाचार्य ने और हमें बहुत अच्छा लगा इस गाने को बजाने के लिए क्योंकि वो ये सोचते कि कल मैं मेरा रिकॉर्ड तोड़ पाऊंगा कि नहीं कैन आई सिंग डिफरेंटली कैन आई डू समथिंग तो आई वांट टू आस्क यू सुलेमान कि आपका जब से चक दे हुआ है जैसे लगता है कोई ह्यूमन स्पिरिट के ऊपर फिल्म बने कोई स्पोर्ट से जुड़ी हुई फिल्म बने आपका कोई तो कर्मा है उसके साथ कैन यू प्लीज एक्सप्लेन क्या है शायद कर्मा ही होगा पता नहीं है मुझे आई थिंक वी मेक इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स बिकॉज वी गेट इंस्पायर्ड बाय दोस इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स जब हम फिल्म्स लाइक डोर इकबाल जब हम ऐसे गाने बनाते हैं तो वी फील अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ अ सेंस ऑफ पावर टू बी एबल टू हेल्प पीपल विथ आवर सॉन्ग्स
there's a lot of people, काफी लोगों ने बोला है कि हम लोग जब मुश्किल में होते हैं तो आपके गाने सुनते हैं and we get inspired and we work better schools के अंदर exams के time पे काफी सारे ऐसे होते हैं I think this is one of those films where we feel very motivated and empowered to come up with songs which are inspirational and aspirational and hopefully these are songs which will inspire people to do good and to be better. Rahul, hey, question for Aditi, please. Who's going to ask Aditi a question? Yeah, otherwise, I'll ask. You will ask. Who has the mic? Anybody? Okay. Yeah. So, hi Aditi. Can you tell us how was your experience playing Purna's character? Can I add to that question? Yeah. Aditi, I also wanted to know that how much time did you spend with Purna and how difficult or how easy was it to, you know, take those mannerisms of Purna or to understand that what was going on her mind, in her mind when she, you know, did what she did? Yeah, that's a difficult question. Yeah, so I spent a lot of time with Purna and I enjoyed with her. It took me a lot of time. I kept on imitating her even at my house, like walking like her and all that. Then, yeah. What about the climbing? Climbing, yeah. One day Purna was called for when I was getting trained. She was called and I was asked to imitate her moves and all. I was scared. But Purna gave me courage to do it. She taught me. She's a very good teacher. And every day was a learning for me. Something more from her? For me. Mujhe pehle pucha gaya casting ke liye. To play Dr. R.S. Praveen Kumar. Tab mere haath mein script aaya. उसके बाद मैंने पूछा कि इसके लिए पैसे कौन, यू नो, इज इट प्रोड्यूस, इज इट फंडेड, नॉट फंडेड. सो ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ. फिर मैंने सोचा कि आई एम गोइंग टू मेक दिस माय फर्स्ट, द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ माय बैनर. देन आई मेट अमित. उसके बाद एक के बाद एक जैसे है, जैसा है. बट फर्स्ट आई वॉज अप्रोच टू प्ले डॉक्टर आर एस. और ट्रूथफुली मैं वैसा प्रोड्यूसर कभी नहीं बनना चाहता हूँ जो सारे मेरे फिल्म मैं हूँ उसमें. आई थिंक इट्स सो एम्बैरसिंग एज इट इज कहना कि प्रोड्यूस, डायरेक्टर, एक्टर, या तूने कॉस्ट्यूम किया, तूने और क्या क्या किया. इट्स रियली एम्बैरेसिंग. आई फील रियली बैड अबाउट इट. एक्चुअली इनको म्यूजिक भी करना था, पर वो वाला मत करना प्लीज. गला बैठा हुआ था उस दिन. सो मैंने फिर एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर सोचा कि एज अ डायरेक्टर कि इज ही करेक्ट फॉर दिस. अदरवाइज आई रिकास्ट इन टू मिनट्स फ्लैट. आई विश आई हैड. इट वॉज सच अ पेन. मेकअप निकालो, फिर डायरेक्शन करो, फिर उस गर्मी में फिर क्लाइंबिंग करो, मेकअप करो, क्रेजी. But I thought नेकी से ये correct casting है. और I promise you I will not inflict any of you in my films in the future. There will be other people. This is my promise. Any other question? अच्छा, last. Sorry, not last. No, one. How much ever time we have, you know, क्योंकि इसके बाद 10 minute का एक surprise है आप लोगों के लिए. इसलिए. Go for it. बायोपिक्स में जो फ्रीडम लिया जाता है तोड़ मरोड़ करने के लिए स्टोरी में या कंटेंट में, देखिए बहुत से बायोपिक्स बने हैं. कई बायोपिक्स देखकर मैं हंसता हूं कि मैं जानता हूं कि ये नहीं हुआ. और कई बायोपिक्स में ऐसा लगता है कि वाह, कुड बी क्लोज. हमारे में एक कैरेक्टर है जो पूर्णा की जिंदगी में नहीं थी. उसके बाद, उसके बावजूद, और इसलिए क्योंकि एक ड्रामेटिक एक पॉइंट चाहिए था. जिंदगी में ड्रामा एक पॉइंट में नहीं होता है. हमारी असलियत में ड्रामा थोड़े थोड़ा 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 करके 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 एक बदलाव होता है 5 साल में शायद. इसलिए उसको इनकैप्सुलेट करने के लिए वी क्रिएटेड अ कैरेक्टर टू ट्रिगर एग्जैक्टली व्हाट शी वेंट थ्रू. बट एक ट्रिगर चाहिए था. उसके बावजूद एवरीबॉडी एल्स, देवीदास इज इन द फिल्म, शी इज इन द फिल्म. We have shot in her hut. She rock climbed at Bhongir. We had ridden Bhongir. She went to HMI Darjeeling. We did Darjeeling. And finally, we shot in Sikkim. And she, of course, climbed in Ladakh before Everest. Because in Ladakh, oxygen is difficult and my crew would have died. So I just wanted to make sure they didn't die. Lots of
lots of lifelong friends from my crew and my cast are sitting behind the cameras. We're going to meet again many times and we're going to have many beers. But for now, the fact that you've come just for the trailer launch is amazing. I really feel very, very happy. Thank you for coming. How much of it is true to real life? It's like you would think. How much of the film? Yeah, it's like 90%? Yeah? Rahul, hi. Have you seen the movie? बहुत सुंदर क्वेश्चन. उन्होंने ट्रेलर देखा, उनसे पूछिए कि ट्रेलर देखने के बाद उनको कैसा लगा. ओके, यहाँ पूर्णा आपने पिक्चर देखी है? आपने देखी पिक्चर? हाँ देखी. कैसा लगा खुद के बारे खुद? सर मैं ट्रायल भी देखा था. पिक्चर के लिए हैदराबाद में देवीदास पूर्णा 10-15 रिश्तेदार पकाला गांव से हैदराबाद में एक्टर्स के साथ पॉलिटिशियंस के साथ ब्यूरोक्रेट्स का बहुत बड़ा स्क्रीनिंग हम रखने वाले. बट दैट लास्ट वीक ऑफ मार्च. पिक्चर मतलब मैं फोटो सोच रही थी. ओके तो ट्रेलर देख के खुद के ऊपर कैसा लगा? ट्रेलर देख के फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक्स टू राहुल बोस सर. बिकॉज ऑफ हिम आई एम गोइंग टू अ बिग स्टार. No, you are a big star, darling. And because of you, I made the film. Okay, and we're all going to be big stars. Yeah. And all producers, all movie makers, everyone, I would like to thanks to all. And so after seeing trailer. I was very excited. Really, I can't expect. I expect, but then it was more extraordinary. It was very, I can't say in words. Really, I was very excited. Dusra movies rehti hai ki graphics lagata hai. Graphics like that. That movies. But it is real story that on me only, so it was very exciting and very happy. I feel very proud. I was excited after seeing my face on TV. Rahul, to your right, this is Priyanka. Hi. I wanted to ask you, when you were describing this thing that you don't need to underline everything, in that context, why was it so important for you to give that tagline, ladkiyan kuch bhi kar sakti hain? Why am I asking? Because when we see the trailer, we get that feeling, we realize it, we know that this is a story of a girl and of a girl in such circumstances and in our country. So when the story itself is saying so much, why was it so important for you to put that tagline? Because she said it. Yeah. Okay, that's one. And two is, why did we put it there? Because I think if you haven't heard of Purna, none of us know about this achievement. At least कुछ तो मिलता है कि हाँ ये एक छोटी लड़की के बारे में है. वो एवरेस्ट के सामने है with a flag. इसका मतलब है उसने बहुत अच्छा कुछ किया है. द फैक्ट दैट शी इज द यंगेस्ट, द फैक्ट दैट शी इज ऑल दैट यू विल फाइंड आउट लेटर. बट द आइडिया बिनीथ द होल फिल्म इज दिस व्हाट शी सेड व्हेन शी गॉट देयर. सो व्हेन वी वर सिटिंग एंड थिंकिंग व्हाट इज द लाइन, अर्लियर द लाइन वॉज करेज हैज नो लिमिट. बट करेज हैज नो लिमिट कैन ऑल्सो बी अबाउट समबडी हू perhaps you know, it could be about a man who is a wrestler or somebody who's fought a tiger to save somebody. It could be that. But when we heard this line from her, we said, this is the line. You know, it is. You're right. If I have to think now, maybe it is underlining it slightly, but not that much. It's a true line. It's not that we have. You know, written one. Kya line likh sakte hain? Nahin, isne kaha. I think Priyanka, the thing is that the fact that she said it, Purna Malawat has said it, it says it all. It's not said by Rahul Bose. It's not said by the production house or the director or the media planning company. It's said by the person herself. That's the reason she climbed Everest, which we found so amazing. That's the reason. मैं दिखाना चाहती थी कि लड़कियां कुछ भी कर सकती है. उसके बाद स्कूल चिल्ड्रन कुछ भी कर सकते हैं. दैट ऑल फॉलोड. सो वी सेड दैट्स इट. व्हाई शुड वी राइट समथिंग?
something clever or something smart. All right, then, should we have the surprise? Yes. Okay, let's all up. Get down the stage. Well, or the press is in front, no? Good. Because we're going to create a television. They're going to love what is coming. So, kal hi show you something. बहुत से लोग बहुत से कुछ कहते हैं कि इसने ये कहा, इसने वो कहा, तो वी थॉट चलो अगर आप सुन भी नहीं सकते हो, हमने सबटाइटल किया है, सो इन केस यू कैन जस्ट रीड व्हाट द पर्सन इज सेइंग, सो बी एज साइलेंट एज पॉसिबल, बिकॉज अदरवाइज यू माइट विद द वॉल्यूम.